करीब 36 घंटे बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन पाकिस्तान में अभी से हड़कंप मचा हुआ है। असल में एग्जिट पोल के अनुमानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं और एनडीए गठबंधन की सीटों का आंकड़ा देखने के बाद से इस्लामाबाद में टेंशन का लेवल हाई है। 4 जून से पहले ही पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के हेडलाइन देखिए, जिसमें लिखा है टीवी एग्जिट पोल में भारतीय पीएम मोदी की जीत का अनुमान लगाया गया है। 4 जून को दिल्ली में चुनावी नतीजे आएंगे और एग्जिट पोल में मोदी को हैट्रिक लगाता देख इस्लामाबाद में हड़कंप शुरू हो गया है। शहबाज के कटोरे पर मोदी का तंज सीधा पाकिस्तानियों के दिल पर लगा। चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने का वादा किया था। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक पीएम मोदी का डायलॉग बार बार सुना गया। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। भारतीय चुनाव के बारे में पाकिस्तान में भी कवरेज हो रही है। पाकिस्तान की जियो टीवी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, मतदान खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने अपनी पहली टिप्पणी में एग्जिट पोल का जिक्र किए बिना जीत का दावा किया। इसकी वजह समझिए, इस्लामाबाद कराची से लेकर पेशावर तक पाकिस्तानी पब्लिक जानना चाहती है कि दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसलिए 1 जून का एग्जिट पोल भी भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी देखा गया। मोदी 3.0 आने की बात सुन सुनकर शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर टेंशन में हैं। लेकिन पाकिस्तानी जनता के बीच भारत की तरक्की वाला मामला सबसे ज्यादा हिट है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया से टीवी चैनलों तक हर जगह भारत के चुनाव की चर्चा है। एग्जिट पोल से मामला क्लियर हो गया है, लेकिन पाकिस्तानियों को यकीन नहीं हो रहा। इस्लामाबाद में 4 जून के नतीजों का इंतजार है और तब तक पाकिस्तानी सरकार की सांसें रुकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.